राहुल गांधी ने एफिडेविट दायर करके कहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात कही थी वो मैं भावावेश में बहकर कह गया। कल को जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में भी कह सकता है कि मैंने तो वोटें ले ली थी इसलिए मैंने झूठ बोला था। कांग्रेस कहती है हम धारा 370 खत्म नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि अगर हमारी सरकार बने तो हम धारा 370 खत्म करेंगे। कांग्रेस कहती है हम देशद्रोह की धारा खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देशद्रोह की धारा को और मजबूत करेंगे अगर कोई चैन में भी हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने की सोचेगा तो उसके खिलाफ भी हम सजा। कश्मीर में आज भी 7-8 लाख हिंदू ऐसे हैं जिनको आज तक इन्होंने नागरिकता नहीं दी है और कश्मीर का कानून कहता है कि जिसके पास नागरिकता ना हो ना वो कोई कारोबार कर सकता है ना नौकरी कर सकता। उनकी जिंदगी को नरक बनाती है और कांग्रेस कहती है कि हम इनको नहीं करते। 1971 से हम पिटते जा रहे पाकिस्तान पीटता जा रहा और हम उसका जवाब नहीं दे। वो आते थे मारते थे चले जाते थे हम रोकते थे पीटते थे और फिर अपने कामों में लग जाते। लेकिन ये आया शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उन्होंने हरकत की पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक आज हिंदुस्तान का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ सारे विश्व में लिया जाता है। आज विश्व के बड़े बड़े देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान से नवाज रहे हैं। क्या चाहते हो कि दोबारा उसी हालत में चले जाएं? दोबारा जहां कांग्रेस छोड़ के गई थी वही चले जाएं? फैसला आपको करना होगा। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।